लंबे इंतजार के बाद मेरी लाइफ सही ट्रैक पे आई है। आज से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। दीपा, दीपा कितना टाइम लगाओगी यार, कब से नहा रही हो तुम? कम आओ, हम ना आज भी लेट हो जाएंगे। बाहर निकलो तुम। तुम्हारी वजह से ना हम डेली लेट होते हैं। अच्छा, और तुम जो मुझसे पहले बाथरूम हाईजेक कर लेते हो उसका क्या? हाँ, कल से तो आई विल टेक बाथ तुझसे पहले, फिर देखते हैं कौन है लेट लतीफ। कल से तो मैं हुई नहीं, मोटी भूल गई ना, आज शाम को ही मैं ऑफिस से घर वापस जा रही हूँ। अरे हाँ, मैं भूल ही गई, कल से तेरी लाइफ का अल्टीमेट बैटल शुरू होने वाला है, युद्ध का शंखनाद। कल तेरी सगाई से। ओए गॉड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ये रखा। हाँ, वैसे हम देखो, देखकर लग नहीं रहा है कि कल तेरी सगाई है। कल तो पार्लर चले जाना एटलीस्ट, प्लीज। तू अपनी एडवाइस ना अपने पास ही रख, ओके? रामानुज लाइक्स द वे आई एम। सोलह जनवरी 2012 की शाम मैं एक ऐसे सफर की शुरुआत करने वाली थी जिसमें बीतने वाला हर एक पल उन उम्मीदों से भरा हुआ था जो अम्मा ने मुझसे लगा रखे थे। भीड़ और शोरगुल के बीच भी ये सफर मुझे अतीत की उन सारी यादों से जोड़ रहा था जिनसे मेरा बचपन से एक नाता था। लेकिन अब हर नाता 360 डिग्री का रिवर्स टर्न लेने वाला था। शादी के बाद तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी राना। लेकिन ये मेरा फर्स्ट जॉब है, इट्स रियली स्पेशल टू मी। आई मीन, इसको क्विट करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है रामानुज। मतलब शादी के बाद तुम एर्नाकुलम में और मैं शोरनूर में? अरे हस्बैंड वाइफ का 300 किलोमीटर दूर रहना मतलब 300 तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। हाँ रामानुज, पर मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि शादी के बाद मैं अपने कोलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, दीपा को और एर्नाकुलम शहर को बहुत मिस करूंगी। राम्या, तुम कुछ मिस नहीं करोगी, बिलीव मी, आई गिव यू हेवन। रामानुज, अम्मा का कॉल आ रहा है, मैं उनको बताना ही भूल गई कि मैं ट्रेन में चढ़ गई हूँ। आई कॉल यू बैक सून, ओके? ओके ओके। हाँ माँ। लेडीज कंपार्टमेंट में ही बैठी है ना राम्या? हाँ माँ, लेडीज कंपार्टमेंट में ही बैठी हूँ, आप टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, ध्यान से आना। और हाँ, सेंथिल तुझे लेने स्टेशन आ जाएगा, उसके साथ ही आना। ओके अम्मा। ये लो ना, सेवैया है। नो थैंक्स। अरे ले लो ना, थोड़ा शर्माओ मत, ले ले। थैंक यू। और थोड़ा ले ले। नहीं नहीं, थैंक यू। भगवान से बस अब यही कामना है कि मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे और ये सफर आसानी से बीत जाए। राम्या की ट्रेन आ गई? ट्रेन तो आ गई अम्मा, लेकिन चेची कहीं मिल नहीं रही। तू जरूर वहाँ पे लेट पहुँचा होगा। स्टेशन तो ट्रेन से पहले पहुँच गए थे अम्मा। फिर राम्या कहाँ है? उन्हीं को तो ढूंढ रहे अम्मा। अरे फोन करना फिर उसे, वहीं कहीं होगी। फोन बंद आ रहा है अम्मा, चार्जिंग खत्म हो गया होगा। तू ध्यान से देख उसे वहाँ। हाँ सेंथिल, राम्या का फोन नहीं लग रहा, घर आ गई वो? नहीं रामानुज, उनकी ट्रेन आ गई लेकिन चेची कहीं मिल नहीं रही। क्या? पर उसकी ट्रेन तो 11:30 को पहुंच जाती है, पर अभी 1 बज रहा है। ओ
सर मेरी सिस्टर राम्या ने एर्नाकुलम से शोरनूर वाला पैसेंजर ट्रेन पकड़ा था। ट्रेन 11:30 बजे स्टेशन पहुंच गई थी लेकिन चेची वहां नहीं पहुंची सर। ये तो रेलवे पुलिस का केस है, आपने वहां रिपोर्ट किया? सर पुलिस तो पुलिस होता है ना, एक तो मेरी चेची नहीं मिल रही। सर देखिए ये सब प्रोसीजर हमें पता नहीं है, प्लीज हेल्प अस। क्या हुआ सर? सर मेरी मंगेतर राम्या एर्नाकुलम से शोरनूर की पैसेंजर ट्रेन से आ रही थी सर। ट्रेन 11:30 बजे पहुंच गई पर वो पहुंचे ही नहीं। वो एर्नाकुलम से ट्रेन में चढ़ी थी? हाँ सर, और करीब 9:30 बजे जब उसने मुरूर कारा क्रॉस किया था तब मेरी उससे फोन पे बात भी हुई थी। लेकिन सर चेची का फोन बंद आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। ठीक है हम लोग रेलवे पुलिस से कोऑर्डिनेट करते हैं। हेलो हेलो, मैं कालिंदी नगर पुलिस स्टेशन से PSN आयर बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई, उसके घर वालों का कहना है कि वो लड़की शोरनूर रेलवे स्टेशन पे पहुँचने वाली थी पर वहाँ से वो घर तक पहुँची नहीं। क्या आपके पास ऐसी किसी लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन है? एर्नाकुलम शोरनूर पैसेंजर ट्रेन आने के बाद उस ट्रेन के 2 पैसेंजर्स ने हमें बताया था। सर हम लोग लेडीज कंपार्टमेंट के आगे वाले कोच में थे, वल्लमिल क्रॉस होने के 10-12 मिनट बाद मैंने एक लड़की को लेडीज कंपार्टमेंट से जंप करते हुए देखा सर। हमें उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे लेडीज कंपार्टमेंट खाली होगा, वैसे भी वल्लमिल स्टेशन आते आते ट्रेन लगभग खाली हो जाती है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे लड़की ने सुसाइड किया होगा। क्या उस लड़की की बॉडी आपको मिली है? हमें अभी तक लड़की की बॉडी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है लेकिन हमारी टीम रेलवे ट्रैक्स पे उसे सर्च करने की कोशिश कर रही है। राम्या 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 कहाँ है? सेंथिल राम्या कहाँ है? रामानुज राम्या कहाँ है? तुम लोग उधर जाओ, उधर देखो। हाँ सर। यहाँ ध्यान से देखो। नहीं सर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। उधर उस तरफ देखते रहो तुम। एक मिनट एक मिनट। राम्या अगर ट्रेन से कूदी थी तो उसको ट्रैक के पास मिलना चाहिए था लेकिन वो ट्रैक से इतने दूर मिली कैसे? हमें लगता है ट्रेन से कूदने के बाद राम्या जिस स्पॉट पे गिरी होगी वहां से उसे ड्रैग करके दूसरी जगह पे ले जाया गया होगा। राम्या हमें जिस जगह पर मिली उस वक्त उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, शायद उसके साथ रेप किया गया हो। आपका कहना है राम्या जब ट्रेन से गिरकर बुरी तरह जख्मी हुई थी और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी तब उसके साथ उस हालात में किसी ने रेप किया? वी गेस ये रेप नहीं गैंग रेप हो सकता है। हो सकता है एक से ज्यादा लोग उसे ट्रैक से खींच कर ले गए हों और उसके साथ गैंग रेप किया हो। क्या हुआ सर? कहाँ है मेरी राम्या? क्या हुआ है उसे? यहाँ क्यों लेके आए उसे? देखिए राम्या ट्रेन से गिरने के बाद बुरी तरह जख्मी हुई है और मुझे शक है कि शायद उसके साथ गैंग रेप हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? तो पहले तो आप कह रहे थे कि सुसाइड है और अब आप कह रहे हैं कि रेप? देखिए हमें शक है कि शायद राम्या ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। नहीं नहीं, मेरी राम्या कभी सुसाइड नहीं कर सकती, वो कोई और लड़की होगी जिसे आप राम्या समझ रहे हो। देखिए हम खुद हैरान है कि कोई आदमी इतना वहशी कैसे हो सकता है कि जो लड़की जख्मी है जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है उसके साथ वो रेप करे। सिस्टर हाउ इज शी नाउ? शी इज वेरी क्रिटिकल सर, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। रामे की फैमिली लगातार यही कह रही है कि रामे सुसाइड नहीं कर सकती और जो गैंगरेप बात सामने आई है वो भी चौंका देने वाली है। एक काम करो, RPF की टीम द्वारा स्पॉट पे चले जाना, जिस बोगी से रामे ट्रैवल कर रही थी उस बोगी को दोबारा से चेक करो। सर पूरे कंपार्टमेंट को अच्छे से चेक करो, जो भी एविडेंस लगता है कलेक्ट करो उसे। सर दोनों बटन सेम लग रहे हैं, हो सकता है सेम शर्ट के हो। ब्लड स्टेन्स, संजीव फोरेंसिक टीम को बुलाओ और इस ब्लड को राम्या के ब्लड के साथ मैच करके देखने को बोलो। सर
हमें यहीं पे उस लड़की की लाश मिली थी। ये ट्रेल है। अरे लड़की उस तरफ गिरी थी। हो सकता है लड़की यहाँ सीधे इस पत्थर पे गिरी और यहाँ से उसे वहां तक खींच के ले जाया गया और वहां ले जाके उसके साथ गैंगरेप हुआ। लेकिन रात में अंधेरा होने की वजह से हमें पता नहीं चल पाया कि राम्या यहाँ पे गिरी होगी। क्राइम सीन पर जो भी सबूत मिले उससे तो यही लगता है कि राम्या के साथ रेप तब हुआ था जब वो जख्मी थी। रेलवे कंपार्टमेंट में स्ट्रगल के निशान मिले थे, मतलब राम्या का ट्रेन से गिरना सुसाइड अटेम्प्ट नहीं बल्कि अटेम्प्ट ऑफ मर्डर था। ये बटन्स राम्या के कपड़ों के नहीं लगते। और हेयर क्लिप, राम्या ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी तो उसके पास लगेज भी जरूर होगा, जो ना ही हमें क्राइम सीन पर मिला और ना ही ट्रेन में। राम्या के साथ सिर्फ रेप नहीं, उसके साथ लूट भी हुआ। करेक्ट, राम्या का पर्स, बैग, वॉलेट हमें कुछ नहीं मिला। राम्या लेडीज कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रही थी और उसी कंपार्टमेंट में हमें खून के निशान भी मिले थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी औरत ने राम्या को लूटने की कोशिश की, उसी औरत ने राम्या को लूटा और चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। लेकिन सर फिर उन दो लोगों ने आरपीएफ से ये क्यों बोला कि उन्होंने राम्या को ट्रेन से छलांग मारते हुए देखा? फिलहाल राम्या तो स्टेटमेंट देने के हालत में नहीं है, लेकिन क्राइम सीन से जो भी एविडेंसेस मिले हैं उससे थ्योरी तो यही बनती है कि राम्या को चलती ट्रेन से धक्का दिया, उसे लूटा गया और जख्मी हालत में उसके साथ गैंग रेप हुआ। और इन वारदातों को अंजाम देने वाले लोगों को हमें ढूंढना है। उस एरिया में जाके पूछताछ करो जहां हमें जख्मी हालत में राम्या मिली थी। ये काम उसी एरिया के उठाई गिरोह का हो सकता है। और वो दो लड़के जिन्होंने रेलवे पुलिस में राम्या के बारे में कंप्लेंट लिखवाई थी उनसे कहो आके मिले। सर, एक्सक्यूज मी सर। सर, वीडियो वाले को इस केस के बारे में पता चल गया है। कल 16 जनवरी की रात एर्नाकुलम शोरनूर पैसेंजर से सफर कर रही एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर कौन होंगे वो दरिंदे जिन्होंने एक ऐसी लड़की के साथ गैंग रेप किया जो लहूलुहान हालत में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी? पहले जिसे रेलवे पुलिस सुसाइड का केस मान रही थी, अब वो केस गैंग रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर का भी समझा जा रहा है। के अकाउंट में ना मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए, रेंट दे देना। अरे रेंट का पैसा तो सेंथिल ने अरेंज कर लिया था, इस पैसे से हम तुम्हारी सगाई की शॉपिंग कर लेंगे। अम्मा, आप कॉफी पी रही है ना? तुझे कैसे पता चला? बस आपकी कॉफी की स्मेल शोनूर से अर्नाकुलम तक आती है। बहुत मिस करती हूं आपकी कॉफी को। वर्ल्ड में आपके जैसी कॉफी ना कोई नहीं बना सकता। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मस्का मत लगा। शोनूर कब आ रही है? अगले हफ्ते तुम्हारी सगाई है और तुम अभी भी वहीं हो। सगाई से पहले अपनी अम्मा के साथ वक्त नहीं बिताओगी? सगाई के बाद ना एक हफ्ता मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगी, आपकी कॉफी और हम खूब बातें करेंगे। अम्मा, अब रात भर नहीं सोए, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। मेरी राम्या ने रात भर कुछ खाया नहीं, जे जाके उसके लिए नाश्ता लिया। अम्मा, चच्ची को ग्लूकोज लगा है, अब घर जाकर आराम कर लो। तुझे बोला था राम्या को एर्नाकुलम जाके ले आ, कैसा भाई है तू, खुद जाके ले आता तो आज राम्या। तो जिन दो लोगों ने रेलवे पुलिस में राम्या की ट्रेन से गिरने की कंप्लेंट लिखवाई थी
उनका फोन ही नहीं बल्कि घर भी बंद है। सर वो दोनों सुबह से गए, आस पड़ोस से भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। अगर इनका फोन और घर दोनों बंद है तो हो सकता है कि रामा के साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें ये दोनों इन्वॉल्व हो। इन दोनों का फोन सर्वेलेंस पे डाल दो और ढूंढ कर निकालो ये दोनों है कहाँ। जी सर। रेलवे पुलिस को कंप्लेंट लिखवाने वाले रंजीत और स्वामी नाम के लड़कों का गायब होना उनकी भूमिका संदिग्ध बना रहा था। वहीं क्राइम सीन के आसपास के इलाकों के जेब कतरे, चोर उचक्के और उठाई गिरोह को भी राउंड अप किया जा रहा था और जल्द ही उन दोनों लड़कों में से एक रंजीत का फोन ऑन हुआ। सर मैंने तो खुद रेलवे पुलिस को कंप्लेंट लिखा करके अपना फर्ज निभाया था, अब आप लोग मुझ पे ही शक कर रहे हैं। तुझ पे शक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तू फोन बंद करके गायब हो गया था। सर मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ, एग्जाम देने गया हुआ था और सर एग्जाम हॉल में फोन यूज करना अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने अपना फोन बंद कर रखा था। तेरा वो दोस्त वो भी गायब है जिसके साथ मिलकर तू रेलवे पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने गया था। सर वो मेरा दोस्त नहीं है, हम लोग बस सर साथ में उसी ट्रेन में शोरनूर जा रहे थे जिस ट्रेन से उस लड़की ने छलांग लगाई थी। तो तूने अपने डिब्बे से उस लड़की को लेडीज कंपार्टमेंट से कूदते हुए देखा था? नहीं सर मैंने नहीं देखा था, वो उसी दूसरे लड़के ने देखा था। ऐसा तो नहीं कि उस लड़की को ट्रेन से उस लड़के ने धक्का देते वक्त तूने देखा था? नहीं सर मैंने बोला ना हम सर दूसरे कंपार्टमेंट में थे, सर मैंने तो लड़की को देखा तक नहीं था, लेकिन हाँ सर लेडीज कंपार्टमेंट से किसी लड़की की चीख सुनाई दे रही थी हमें। बचाओ! बचाओ! तेरे को आवाज आई कोई? हाँ आवाज आ रही है। लगता है लेडीज कंपार्टमेंट से आवाज आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है वहां पे। हाँ मुझे भी लगता है आवाज इधर ही से आ रही है। क्या हुआ? अंकल लेडीज कंपार्टमेंट से आवाज आ रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं काम करता हूँ, मैं चेन खींचता हूँ। स्टॉप! वो लड़की कूद गई ट्रेन से। क्या? मैंने अभी देखा उसे। सर मैं तो खुद ट्रेन की चेन खींचना चाहता था पर उस लड़के ने मुझे रोक दिया, बोला कि लड़की कूद गई है और हम शोरनूर उतर करके रेलवे पुलिस को सब बता देंगे। तुम लोगों ने लड़की की चीखें सुनी थी, उसको ट्रेन से कूदते हुए देखा था, फिर शोरनूर स्टेशन पे रेलवे पुलिस को पूरी बात क्यों नहीं बताई थी? सच सच बता दे, क्या कांड किया था उन दोनों ने मिलकर उस लड़की के साथ? सर हमने कुछ नहीं किया है सर, सर हमें तो उस लड़की की परवाह थी तभी तो हमने रेलवे पुलिस को सब बता दिया था। सर ये कोई साजिश लगती, तभी तो इस रंजीत का जोड़ीदार गायब। रंजीत का कहना है कि स्वामी उसका दोस्त नहीं है। एक काम करो, रंजीत और स्वामी दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकालो और पता करो वाकई एक दूसरे को नहीं जानते या रंजीत कोई कहानी बना रहे हैं, और इस स्वामी को ढूंढो और हॉस्पिटल जाके पता करो कि राम्या की कंडीशन कैसी है। इस केस में राम्या का स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। रामानुज राम्या कैसी है? वो ठीक नहीं है दीपा, काफी इंजरीज, व्हाट न्यूज़ की अब क्या होगा? सेंथिल कहाँ है? चेची चेची क्या हुआ, क्यों नॉइस पोल्यूशन बढ़ा रहा है? अरे वो टी शर्ट नहीं मिल, ये टी शर्ट हमने अपने लिए लाया तो तुम पहन के रखियो। मुझे लगा तो मेरे लिए लेके आया, येलो मेरा फेवरेट कलर है ना। तो क्या हर येलो चीज आपकी हो जाएगी क्या? ओके लेट इट बी, अब मैंने पहन लिया है ना, कल मैं तेरे लिए एक नया दूसरा टी शर्ट लेके आऊंगी, प्रॉमिस। नहीं मुझे अभी चाहिए, जस्ट नाउ। छोड़ना यार। नो नो अभी चाहिए। फाइन ये ले तेरी टी शर्ट, मेरी ही गलती थी कि मैंने तुझसे कुछ एक्सपेक्ट किया। हेलो सर। जी सर मुझे पता है कि मैटर बहुत सीरियस है एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट सर। ओके सर। सर से मेरी फोरेंसिक टीम से बात हुई, ट्रेन के डिब्बे में जो खून के धब्बे मिले थे वो राम्या के खून के साथ मैच करते हैं। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि उस रात उस ट्रेन में राम्या को किसी ने मारने की कोशिश की, शायद लूट भी वहीं हुई है। सर जहाँ राम्या मिली थी उस एरिया के सभी पॉकेट मार और हिस्ट्री शीटर्स को हमने राउंड अप किया लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा, पर वहाँ रंजीत भी अपना पुराना राग अलाप रहा है। रंजीत और स्वामी के कॉल रिकॉर्ड्स को हमने चेक किया लेकिन कुछ मिला नहीं। सर नहीं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि रंजीत और स्वामी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हाँ मैडम बोलो। सर स्वामी के रिलेटिव से स्वामी के बारे में पता चला है। उठाकर लेकर आओ इस स्वामी को। सर गैंगरेप की न्यूज सुन के मुझे लगा कि मैं भी फंस जाऊंगा, इसलिए डर के मारे बिल में छुप गया था।
अब बिल से बाहर आया है ना, अब सच बोल दे। चल बोल जल्दी। सर मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया जो आप ऐसे बोल रहे हो। सर इसीलिए कोई पुलिस को कंप्लेंट नहीं करता है, क्योंकि आप लोग क्रिमिनल को पकड़ने के बजाय शरीफ लोगों को परेशान करते हो। तेरे चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि तू शरीफ है या शातिर। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ सर। मैं बस उस लड़की की चीख सुन के दरवाजे की तरफ गया था और मैंने देखा वो लड़की ट्रेन से कूद गई है। सर इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। सर प्लीज़ सर मुझे घर जाने दो आप। घर जाने की बात तो भूल ही जा। लड़की खुद ट्रेन से कूदी थी या तूने और तेरे दोस्त ने उसके साथ कुछ किया था? सर वो लेडीज कंपार्टमेंट में थी। और उसी लेडीज कंपार्टमेंट में खून के धब्बे भी मिले। तेरा दोस्त बता रहा था कि वो लड़की खूब चिल्ला रही थी। हाँ सर चिल्ला तो रही थी। बचाओ! बचाओ! तेरे को आवाज आई कोई? हाँ आवाज आ रही है। सर मैं मानता हूँ तब मैंने चैन खींचने के लिए मना किया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं वापस बाहर की तरफ गया तो मैंने देखा। क्या हुआ? अरे वो जो बिकाने था ना एक हाथ वाला, वो लेडीज कंपार्टमेंट में से कूद गया। एक हाथ वाला आदमी? लेकिन ये एक हाथ वाले आदमी की बात रंजीत ने हमें क्यों नहीं बताई? सर मुझे नहीं पता सर, लेडीज कंपार्टमेंट से वो एक हाथ वाला आदमी भी कूदा था और सर जिसने देखा था उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। हाँ लेकिन सर मैं वो एक हाथ वाले आदमी को अपने कंपार्टमेंट में देखा था। तुम बोल रहे हो एक हाथ वाला आदमी तुम्हारे कंपार्टमेंट में था, लेकिन स्वामी बोल रहा है कि वो लेडीज कंपार्टमेंट से कूदा था। ऐसा मैंने कब बोला सर, वो तो मुझे दूसरे आदमी ने बोला था। वो एक हाथ वाला आदमी तुम्हारे कंपार्टमेंट में था ना, तो उतर के लेडीज कंपार्टमेंट में कब गया? सर ये तो मुझे नहीं पता सर, वो कब हमारे कंपार्टमेंट से उतर कर लेडीज कंपार्टमेंट में चला गया। लेकिन सर उसने कुछ किया होगा। रामे के साथ जो कुछ भी हुआ वो वालामीर और सोनू स्टेशन के बीच हुआ। मुझे लगता है कि ये एक हाथ वाले आदमी का सस्पेंस ये लोग खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं। इन दोनों का डीएनए टेस्ट करवा। मुझे तो लगता है कि इस रेप में ये दोनों ही इन्वॉल्व है, और इन दोनों से उस आदमी का स्केच बनाओ और लेकिन अलग अलग बिठा कर देखते इनके दिमाग में जिस आदमी की तस्वीर है वो वाकई में है भी या नहीं। और सोनू स्टेशन जाके पता करो कि उस दिन उस कंपार्टमेंट में इनके साथ कौन कौन ट्रैवल कर रहा था। सर दोनों स्केचेस लगभग एक जैसे हैं, मतलब ये एक हाथ वाला आदमी वाकई में है। सर शोरनूर रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। सर लड़कों का कंपार्टमेंट लेडीज कंपार्टमेंट के पीछे है और यहाँ रंजीत और स्वामी के साथ और दो लोग उतरे हैं। जूम करो। हाँ सर यही वो आदमी है जिसने उस लड़की के ट्रेन से कूदने के बाद मुझे बताया था कि एक हाथ वाला आदमी लेडीज कंपार्टमेंट से कूदा था। इस केस में अब एक ऐसे शख्स का जिक्र हो रहा था जिसके होने ना होने को लेकर पुलिस को संदेह था, लेकिन जो उस रात सोनू स्टेशन पर उतरे थे उन लोगों को रम्या के गैंगरेप से जोड़ना असंभव को संभव मान लेने जैसी अतिशोक्ति थी। लेकिन स्वामी का बयान भी अतिशोक्ति से कम नहीं था कि रम्या के ट्रेन से गिरने के बाद लेडीज कंपार्टमेंट से एक कटे हाथ वाला आदमी चलती ट्रेन से कूदा था। उसको कूदते हुए देखने वाले की पहचान की गई और उसको भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया। हाँ सर यही वो एक हाथ वाला भिखारी था जो उस दिन लेडीज कंपार्टमेंट में से कूद गया था। तो ये एक हाथ वाला भिखारी खुद चलते ट्रेन से कूदा था? हाँ सर मैंने कूदते हुए देखा था उसको, लेकिन लड़की को कूदते हुए नहीं देखा था सर मैंने। लेकिन रंजीत और स्वामी तो कह रहे थे कि ये एक हाथ वाला भिखारी तुम्हारे कंपार्टमेंट में था और तुम कह रहे कि वो लेडीज कंपार्टमेंट में था। हाँ सर वो पहले हमारे कंपार्टमेंट में ही था, लेकिन हो सकता है कि वो वल्ला मिल में उतर गया हो और लेडीज कंपार्टमेंट में चला गया हो। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये आदमी पहले तुम्हारे कंपार्टमेंट में था, वहां से उतर कर वो लेडीज कंपार्टमेंट में गया, उसने रामे को धक्का दिया और फिर खुद चलती ट्रेन से कूद गया? सर मैंने तो बस उस एक हाथ वाले आदमी को चलती ट्रेन से कूदते हुए देखा था, बाकी क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम सर। बाकी बहुत कुछ हुआ है अर्जुन जी। ट्रेन से गिरने के बाद लड़की को झाड़ियों के बीच घसीट कर लेकर गए और उसके साथ गैंग रेप हुआ है। जब न्यूज में आया था तो मैंने भी देखा था और बाद में मेरे को रियलाइज हुआ था कि हम तब बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन तुमने नहीं किया। क्यों नहीं किया बताओ? क्योंकि इन सब में तुम लोग भी इन्वॉल्व हो। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है इन सब के पीछे इस एक हाथ वाले भिखारी का ही हाथ है। हाँ सर एक हाथ कटा हुआ आदमी मुल्लुरपुरम स्टेशन से हमारे कंपार्टमेंट में आके बैठा था, लेकिन सर ट्रेन से कूदते हुए मैंने ना उस आदमी को देखा था ना उस लड़की को। आपने उस लड़की की चीखें सुनी थी? हाँ सर जितने भी लोग कंपार्टमेंट में थे ना सर सब लोगों ने सुनी थी कि वो लड़की चीख रही थी। तो ये एक हाथ कटा आदमी का हाथ? सर वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हाँ सर जब लड़की की आवाज़ आई थी ना तब वो आदमी हमारे कंपार्टमेंट में नहीं था। आपको पता था कि आपके बाजू के कंपार्टमेंट में एक लड़की मुसीबत में, आपको एक बार भी नहीं लगा कि उस लड़की की मदद करनी चाहिए? वो क्या है ना सर एक लड़का बोला
कि वो लड़की चलती ट्रेन से कूद गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा सर कि वहाँ क्या हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको समझ में तो सब कुछ आ रहा था, लेकिन उन लड़कों के डर से बोल वही रहे हैं जो उन लड़कों ने बोलने को बोला है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हाँ सर, ये वही आदमी है जिसका हाथ कटा हुआ था। सर, ये चारों बोल रहे हैं कि उन्होंने उस रात ट्रेन में इस एक हाथ वाले आदमी को देखा था, और इनडायरेक्टली इशारा भी इसी की तरफ कर रहे हैं। मुझे इन चारों की झूठ बोलने की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। मैंने इनके रिकॉर्ड चेक किए, ये चारों एक दूसरे को नहीं जानते। नायर, रामे के साथ गैंग रेप हुआ है, हम इन चारों पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते। इनका भी डीएनए टेस्ट कराओ। सर, एर्नाकुलम शोनूर पैसेंजर ट्रेन के लेडीज कंपार्टमेंट से रम्या की बिलखती चीखें सुनने वाले, रम्या को ट्रेन से गिरता हुआ देखने वाले और उस एक हाथ वाले आदमी को इन अपराधों का प्राइम सस्पेक्ट बनाने वाले, वो चारों पैसेंजर्स अब शक के दायरे में थे। पर पुलिस की ये थ्योरी कि रम्या का गैंग रेप हुआ था, इस थ्योरी को अब एक ऐसा झटका लगने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सर, रम्या के मेडिकल रिपोर्ट देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उसका गैंग रेप नहीं हुआ था, बल्कि एक ही आदमी का इन्वॉल्वमेंट है उसके रेप में। लेकिन डॉक्टर साहब, रामया जिस कंडीशन में मिली थी और अभी जो उसकी हालत है, उसे देखकर लगता नहीं कि ये एक ही आदमी का काम है। सर, रामया के बॉडी से जो हमें डीएनए सैंपल मिला है वो सिर्फ एक ही आदमी का है जिसने उसका रेप किया था। सर, उसकी कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, पर फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज डॉक्टर, डू समथिंग। सिर्फ रामया ही हमें बता सकती है कि उसके साथ क्या हुआ था और किसने ये सब कुछ किया था। बोलना बेटा, बोलना रामिया, मुझसे बात कर, अपनी अम्मा से बात कर। मैम, आप प्लीज बाहर जाइए, हमें कुछ टेस्ट करने हैं। वो चारों अपने बयान पे कायम है कि ये आदमी उस लेडीज कंपार्टमेंट में था जहां राम्या का ब्लड मिला, और राम्या के ट्रेन से गिरने के बाद इसे भी ट्रेन से कूदते हुए देखा गया, और राम्या के बॉडी पर भी एक ही आदमी का डीएनए सैंपल मिला है। कि ऐसा तो नहीं कि इसी ये एक हाथ वाला आदमी एक घायल लड़की को ट्रैक से करीब 200 मीटर दूर तक घसीट के ले जाना और वहां उसके साथ रेप करना, सर कैसे हो सकता है? लेकिन इसने ये नहीं किया, किसी दूसरे आदमी ने किया है, तो उस दूसरे आदमी का हमारे पास कोई क्लू नहीं है। नायर, कैसे भी करो पता करो ये आदमी है कौन। उस रात उस कंपार्टमेंट में जो कुछ भी हुआ था, या तो रामिया बता सकती है या फिर ये आदमी। सर, छुटकारा मिल गया मेरी बच्ची को अपने दर्द से, और मुक्ति मुक्ति तो उसे तभी मिलेगी जब उसके कल्प्रिट को सजा होगी। हेलो,
मेरे को यहाँ क्यों लाए हो? ए, नाटक बंद कर दिया। एक लड़की के साथ ट्रेन में मारपीट की, उसको चलती ट्रेन से फेंक दिया और उसके बाद उसका रेप भी किया। हाँ साहब, मैं, मेरे को देखो साहब, मैं ऐसी हालत में रेप कर सकता हूँ साहब? मेरे को मालूम है, हाँ आप लोग पुलिस वाले हैं, आप लोग बड़े आदमियों को बचाने के लिए मुझ जैसे गरीब आदमी को फांसी चढ़ा देंगे, लेकिन साहब मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तू ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, इसकी अच्छे से खातिरदारी करो। ए साहब क्या कह रहे हो साहब? आप चिंता मान लो साहब, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सर, राम्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत सर पे गहरी चोट लगने की वजह से हुई। जब राम्या को अस्पताल ले जाया गया था तो उसकी ग्लासगो कोमा स्टेट मतलब GCS 4 थी। एक मरे हुए आदमी की GCS 3 होती है और एक जिंदा आदमी की 15। मतलब राम्या को जब अस्पताल में ले जाया गया तो ऑलरेडी वेजिटेटिव स्टेट में थी। इसमें लिखा है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन के हिसाब से राम्या को जब हॉस्पिटलाइज किया गया था शी वाज ऑलमोस्ट डेड। जी सर, और इन सब में ये समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद जो कुछ सिंगल बस ली और एक हाथ वाला, वो राम्या की इतनी बुरी हालत कैसे कर सकता है, वो भी अकेले। ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ट्रेन के बाकी 4 पैसेंजर के मुताबिक अरविंद उस वक्त ट्रेन में था, और अगर अर्जुन की बात माने तो अरविंद उस वक्त लेडीज कंपार्टमेंट में था जहां राम्या पर हमला हुआ था और वो ट्रेन से कूदी थी। और अर्जुन झूठ क्यों बोलेगा, इसका कोई ठोस कारण हमारे पास है नहीं, और वहां अरविंद के घर से भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिलहाल ये अरविंद हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। एक काम करो, इसका DNA टेस्ट करवाओ, अगर राम्या के बॉडी पर मिले सैंपल से इसका DNA मैच कर जाता है तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये रेप अरविंद ने ही किया है। सर, एक तरफ पुलिस अरविंद को रेप का दोषी साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ अरविंद को बचाने के लिए एक योजना तैयार की जा रही थी। मैं जिस केस में भी हार डालता हूँ उसे जीत ही लेता हूँ, लेकिन आपको मालूम है मेरी फीस कितनी है? अफोर्ड कर लोगे मुझे? ठीक है, मैं पहले अरविंद की बेल करवाता हूँ, अगला प्रोसेस बाद में बताऊँगा। पुलिस अरविंद को कोर्ट में लेकर जा रही है। आज रम्या रेप केस की सुनवाई है और अरविंद को फांसी की सजा दिलाई जाने की मांग की जा रही है। स्टेट के सबसे फेमस और क्रिमिनल लॉयर BP कुकुनर अरविंद को डिफेंस कर रहे हैं। उनका मानना है कि अरविंद इनोसेंट है। मैम, अरविंद को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप या कोर्ट में बैठा कोई भी आदमी ये मानने को तैयार होगा कि इस 40 किलो के आदमी ने एक 52 किलो की लड़की को असॉल्ट किया। मतलब पहले उसे ट्रेन से नीचे फेंका, फिर खुद नीचे कूदा और जख्मी हालात में उस लड़की को 200 मीटर ट्रैक से घसीटकर दूर ले गया और उसके साथ रेप किया, वो भी एक हाथ से। हाउ इज इट पॉसिबल मैम? दिस इज नथिंग बट इनकॉम्पिटेंस। पुलिस को कोई कल्प्रिट नहीं मिला तो अपनी नाक बचाने के लिए उन्होंने ऐसे ही रेंडम एक वीक आदमी को पकड़ा और लाके आपके सामने खड़ा कर। मैडम, अरविंद के वल्ला मिल में लेडीज कंपार्टमेंट में घुसते ही ट्रेन में मौजूद 4 लोगों ने राम्या की चीख सुनी। लेडीज कंपार्टमेंट में और रेलवे ट्रैक पर जो ब्लड स्प्लैटर मिला था वो भी राम्या के ब्लड सैंपल से मैच करता है, और जब राम्या ट्रेन से कूदी अरविंद भी कूदा। इससे ये प्रूव होता है कि अरविंद ने ही राम्या को असॉल्ट किया था, क्योंकि उस वक्त ट्रेन के कंपार्टमेंट में राम्या और अरविंद के अलावा कोई नहीं था। ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। एक्चुअली नोबडी सॉ नथिंग, कुछ हुआ ही नहीं, ना असॉल्ट ना रेप, बस सिर्फ चीखें सुनी। मैडम, ये लेडीज कंपार्टमेंट में मिले एविडेंस हैं। इसमें उसी शर्ट के बटन्स हैं जो लेडीज कंपार्टमेंट में मिले। 4 लोगों ने देखा था उस रात अरविंद को, एंड दे कैन टेस्टिफाई। मैम, आई थिंक ये 4 लोग मिले हुए हैं, मे बी दे रेप्ड हर। लेकिन रेप करने वाला एक ही था, और अरविंद था या नहीं ये इसके DNA टेस्ट से क्लियर हो जाएगा। मैडम, हमारे पास एक और विटनेस है जिसने अरविंद को राम्या पर नजर रखते हुए देखा था। अभिदा जी, प्लीज आइए। साहब, हम देखे थे इस आदमी को। हम अपनी पोती के लिए बिस्कुट लेने प्लेटफॉर्म पर उतरे थे और ये हवस भरी नजरों से हमें घूर रहा था। फिर उसकी नजर राम्या पर पड़ी, वो उसे भी वैसे ही नजरों से देख रहा था। हमने राम्या को बोला भी कि अगर अगले स्टेशन पर डिब्बा खाली हो जाए तो वो दूसरे डिब्बे में चली जाए, लेकिन उसने कहा कि सिर्फ 2 स्टेशन की तो बात है, और हम अगले स्टेशन पर उतर गए। मैम, अगर आबिदा जी जैसी नजर पहचानने की ताकत हर लड़की में आ जाए तो इस दुनिया में रेप हो ही ना। क्यों? ये अरविंद का कैरेक्टर असासिनेशन है और कुछ भी नहीं। मैडम, हमारे पास एक और विटनेस है, आइए प्लीज।
जिस रात राम्या का रेप हुआ था उस रात हमने इसको वहां देखा था। ए, इधर से आ रहा है। उस रात इसने क्रीम कलर का शर्ट और नीले रंग की लुंगी पहनी हुई थी और शर्ट के बटन खुले हुए थे। आप जा सकते। कंपार्टमेंट में मिले बटन्स और विटनेसेस के बयान से यह साबित होता है कि अरविंद लेडीज कंपार्टमेंट में मौजूद था, उसने राम्या को असॉल्ट किया, रेप किया और उसे क्राइम स्पॉट से अकेले आते हुए देखा गया। मैं अदालत से अपील करता हूं कि अरविंद को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपने डीएनए टेस्ट करवाया? जी मैडम, लेकिन रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल नेक्स्ट वीक। इस केस में अरविंद का दोषी होना ना होना उसकी डीएनए रिपोर्ट पर निर्भर समझा जा रहा था और जल्द ही डीएनए रिपोर्ट सामने आई। राम्या के नाखून में जो स्किन थी उसका डीएनए अरविंद से मैच करता है और राम्या के शरीर पर पाए गए डीएनए सैंपल्स भी अरविंद से मैच होते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और डीएनए रिपोर्ट्स के अनुसार अरविंद कुरूप ने ही राम्या अय्यर का रेप किया है। कोर्ट फाइंड्स हिम गिल्टी। मैडम, इसके क्राइम्स यहीं खत्म नहीं होते। अरविंद रिपीटेड ऑफेंडर है। ट्रेन थेफ्ट, रॉबरी, मोलेस्टेशन और इनडिसेंट बिहेवियर जैसे कई इंसिडेंट्स हैं इसके खिलाफ एंड ही हैज नो गिल्ट। अरविंद एक होपलेस एग्जाम्पल है ह्यूमैनिटी के लिए एंड प्रोसिक्यूशन रिक्वेस्ट कि इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए कैपिटल पनिशमेंट दी जाए। कैपिटल पनिशमेंट रेप के लिए? रेप एंड मर्डर। मगर मर्डर तो कहीं प्रूव ही नहीं हुआ, कोई भी एविडेंस ये स्टेट करता ही नहीं है। ऑफ कोर्स करता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से राम्या अय्यर की मौत सर पर गहरी चोट लगने की वजह से हुई और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राम्या को जब हॉस्पिटल लाया गया तो उसका ग्लासगो कोमा स्केल यानी कि GCS सिर्फ 4 था। एक मरे हुए इंसान का GCS 3 होता है और जिंदा इंसान का 15। राम्या अय्यर ट्रेन से गिरते ही वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन को देखा जाए तो राम्या अय्यर वॉज ऑलमोस्ट ए डेड बॉडी जब उसे हॉस्पिटल लाया गया और उसकी उस हालत का कारण ट्रेन से उस पत्थर पर गिरना था। मैम, कोर्ट इज ए प्लेस ऑफ रीजन। राम्या की मौत पत्थर पर गिरने से हुई है, पर वो गिरी कैसे? किसी ने उसे धक्का दिया, वो खुद गिरी, ये तो कोई नहीं जानता। ये देखिए, प्राइम विटनेस नंबर 1 को लगता है कि वो खुद कूदी थी, विटनेस नंबर 2 को लगता है कि वो गिर गई थी, जबकि विटनेस नंबर 3 को लगता है कि उसे धक्का दिया गया था। तो मैडम, इसमें अरविंद ने मर्डर किया यह कहां प्रूव होता है? मैडम, डिफेंस के इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वी नीड सम टाइम और तब तक अरविंद को पुलिस रिमांड में भेजने की इजाजत दी जाए। आई ऑब्जेक्ट। पुलिस रिमांड में इस बेचारे गरीब की जान चली जाएगी। कुकनूर साहब, आपको अफोर्ड करने वाला कोई इंसान गरीब कैसे हो सकता है? रिमांड ग्रांटेड। Court will meet in 15 days. Thank you, madam. नायर, इस अरविंद की ठुकाई करके फायदा नहीं है। इसका मुंह खोलने के लिए कुछ और करना होगा। साहब, थोड़ा खाना दे दे साहब। साहब, पानी दे दे साहब। कन्फेशन पे साइन ले लो, साइन कर।
एविडेंस और विक्टिम के कन्फेशन स्टेटमेंट के अनुसार अरविंद कुरूप ने ही रामिया अय्यर को ट्रेन से फेंका, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। मैम, कन्फेशन वाज फोर्स्ड। पुलिस रिमांड में क्या क्या होता है सब जानते हैं। मैडम, मेरे को इतना मारा कि मुझे साइन करना पड़ा, नहीं तो लॉकअप में ही दम तोड़ देता। फिर ट्रीटमेंट करवाया ताकि किसी को पता ना चले। मैडम, पुलिस कस्टडी में इसे हाथ तक नहीं लगाया गया। मैं सिर्फ आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स रीड कर रही थी, बट ये एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेटमेंट्स है और ये स्टेटमेंट किसी मजिस्ट्रेट के सामने लिए नहीं गए, है ना? जी मैडम। तो प्रोसिक्यूशन को पता होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेटमेंट कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होते। अरविंद कुमार अवार्ड है कैपिटल पनिशमेंट। चल जल्दी कैमरा लगा। पुलिस और प्रोसिक्यूशन को दिया गया एक्स्ट्रा जुडिशियल कस्टडी कन्फेशन वैसे तो कोर्ट में मायने नहीं रखता, पर रमैया अय्यर के केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताते हुए जज ने ये कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया है। सर, इस फैसले पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाईकोर्ट है ना, हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। रम्या रेप केस के प्राइम अक्यूज अरविंद के डिफेंस लॉयर बीपी कोकनूर को किसने और किस मकसद से केस लड़ने के लिए फंड किया था, ये राज आज भी बरकरार है और बीपी कोकनूर ने कभी इसका खुलासा नहीं किया। लेकिन झूठ की वकालत चाहे जितने भी प्रभावी ढंग से की जाए, जीत हमेशा सच की होती है। पर इस सच को स्वीकार करना हमेशा दुखद होगा कि रम्या अय्यर अब अपने परिवार के साथ नहीं है। पहले मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दो। तू आई के सामने अकर दिखाएगा? हमारे घर में रोज ऐसे ही झगड़े होते। बाबा झगड़ों में कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो बीमार है। हमारे शहर में अच्छे अच्छे डॉक्टर है, पर दादी डॉक्टर को घर में आने ही नहीं देती हैं। मैंने वैद्य को लाने को कहा था, ये किसको उठा के लाए? मैंने सोच लिया कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी और बाबा को ठीक करूंगी। बाबा को तो मैं ठीक कर दूंगी, लेकिन जमीन को लेके जो घर में झगड़े होते उसे मैं कैसे रोकूंगी? हे माजा घर है, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। मैंने कहा ना, जमीन बेचनी है मतलब बेचनी है, समझे? नहीं समझा और ना ही समझूंगा। अरे कब तक ऐसे चलता रहेगा? जमीन बेचो, दो साल घर चलाओ, हैं? किसी को कोई काम करना है कि नहीं? ए सागर, तू सुना था किसको है? और तू क्या काम धंधा करता है इस घर में? संदीप भाऊ, काम धंधा करने के लिए ना पैसा लगता है, पैसा। दो बार पैसा दिया था ना, क्या क्या उसका? दो बार तेरा बिजनेस फेल हो गया। ए देख, ज्यादा बहस करने का वक्त नहीं है, चुपचाप साइन कर। कर दूंगा भाई, पहले मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दो। क्या बोला तू? बंटवारा करेगा? हाँ करूंगा। तो तू आई के सामने अकड़ दिखाएगा, जबान चलाएगा? क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। देवर जी, काल चुकी से बोला सागर, संगा ना, काल चुकी से बोला। सही कह रहा है वो। बहू, अभी तू मुझे सिखाएगी? पति के मरने के बाद 18 साल मैंने अकेले दम पे ये घर संभाला है, बच्चों को पाला है। अच्छा मुझे बता, ये घर कैसे चलाएगी, पैसे कहाँ से आएगा? देख, अभी पैसे की जरूरत है, जमीन का हिस्सा तो बिकेगा ही और तुझे साइन करना पड़ेगा। साइन कर। आई, मैं साइन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बाबा, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो सबसे पहले आपका टीबी का इलाज करूंगी। ये क्या कर रही है? हा? कितनी बार तुझे बोला है ये रूम में आने से पहले मुंह पे रुमाल बांध लिया कर, चल जा यहाँ से। तुम्हारा ही गलत नहीं ना, घेवन बसाती लग अप्पा मरायला। ये क्या हुआ तेरे गले पर? क्या? ये इस तरफ। ये? शायद किसी कीड़े ने काटा है। हाँ, सोते वक्त शायद कीड़े ने काट लिया होगा। बहुत बड़ा कीड़ा था शायद। जहां सोती हो जरा ध्यान से सोना। जी।
साहब, मैं ऐसे काम पे जा रहा था, यहाँ पे लाश देखी, मैंने आपको तुरंत फोन किया था। सर लगता है बॉटल से मारा गया। बियर पार्टी चल रही थी, बहस हो गई होगी और उसके सर पे मार के भाग गए। जरा इसकी बॉडी जेबें चेक करो, कुछ मिलता है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए। सर ये मोबाइल और पर्स मिला है। सर ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, संदीप आत्रे नाम है इसका, उम्र 29 साल। और ये फोन भी मिला है। सर मोबाइल लॉक है। एक काम करो, फोन अनलॉक करवाने के लिए भेजो, इसकी बॉडी पोस्टमार्टम में भेजो और इसके घर वालों को खबर करो। और जरा पता करो ये बियर किसने और कहां से खरीदी। ओके सर। तू घबर रोगो त्रिवेणी, ये तेरा भाव नहीं है। तूने कहा था ना रात को घर में था, तो यहां कैसे होगा? ये हमारा संदीप नहीं हो सकता। चलो देख ले। संदीप! किसने मारा मेरे बेटे को? हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको कोई आइडिया है वो किसके साथ बियर पीने जाने वाला था, कुछ बताया? मेरा बेटा शराब नहीं पीता था क्योंकि मुझे पसंद नहीं था। माँ वो पीता था। खोटा बोलता है तू। माँ तुम्हें नहीं पता है संदीप भाव तुमसे छुपकर क्या क्या करता था। सर ये संदीप का मोबाइल अनलॉक किया है, लास्ट कॉल किसी अजय भाव को किया था, 1 मिनट 4 सेकंड तक बात हुई है और नंबर है 7764598346। सर ये तो अजय भाव का ही नंबर है, मेरे बड़े भाई। कहते हैं ना साहब, दुश्मनी की जड़ जर चोरों और जमीन से होती है। जमीन बहुत है हमारी और दुश्मन भी। आप पता करो मेरे बेटे को किसने मारा। जमीन का एक हिस्सा आपके नाम कर दूंगी, लेकिन लेकिन वो कमीने को सजा मिलनी चाहिए। देखिए इस काम को करने के लिए सरकार मुझे सैलरी देती है, आप लोग बस इतनी मदद कीजिए कि कुछ भी छुपाइएगा। वैसे आपका बेटा रात भर घर नहीं आया, तो आपने पता करने की कोशिश नहीं कि कहाँ है, किसके साथ है? सर संदीप भाई जब भी बियर पी के आते थे तो ऊपर वाले कमरे में जाते थे ताकि माँ को कुछ पता ना चले। कल शाम को भी जब मैंने उनकी बाइक की आवाज सुनी तो मुझे लगा वो घर पे आ गए। कितने बजे सुनी आपने बाइक की आवाज? सर यही करीब 5 बजे के आसपास। संध्या देख तू संदीप भाव के लिए भूखी मत रहा कर, खाना खा लिया कर, भाव का तो कोई ठिकाना नहीं आने जाने का। आले वट आज भी पीछे के रास्ते से आए, बियर पी के आए होंगे। ताई आप जरा ये देखिए, मैं उन्हें पूछ के आती हूँ कुछ खाने के लिए चाहिए। अरे सुन सीधे वो ऊपर वाले कमरे में गया होगा, तू मत जा वहाँ पे। और वैसे भी आई ने मना किया ना सीढ़ी चढ़ने के लिए। लेकिन भाभी उनको भूख लगेगी तो बड़ी भाभी से खाना मांग लेंगे, तू मत जा यहीं रुक। मतलब 5 बजे के बाद वो फिर से बाहर गया और उसने दोबारा बियर पी? सर उसके दोबारा जाने का तो नहीं पता। आपने आते हुए बाइक की आवाज सुनी थी तो जाते हुए नहीं सुनी? सर शाम के बाद घर में टीवी ऑन हो जाता है तो शायद इसलिए सुनाई नहीं दिया। अच्छा संदीप कहीं भी आने जाने के लिए अपनी बाइक का यूज करता था? जी सर। लेकिन वारदात की जगह पे हमें उसकी बाइक नहीं मिली, उसकी बाइक कहाँ है? लगता है यही संदीप की बाइक है। शायद कोई पीछे के रास्ते से आया और संदीप को अपनी गाड़ी में बिठा के अपने साथ ले गया। सर ये मेरी बड़ी भाभी अजय भाव की पत्नी। कल शाम को 5 बजे के बाद आप संदीप के लिए खाना लेकर ऊपर के कमरे में गई थी? नहीं सर, संदीप भाव जी मुझे फोन करते थे तभी मैं जाती थी, अगर कल उनका फोन नहीं आया तो मैं नहीं गई। आपके पति अजय कहाँ है? आखिरी बार संदीप की उन्हीं से बात हुई। जी वो अंदर है।
क्या है? मैं चिड़ियाघर का जानवर हूँ क्या? हर किसी को दिखाने ले आते हो? देखिए, आपके छोटे भाई संदीप के मर्डर केस की हम जांच कर रहे हैं और उसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। मुझसे क्या पूछताछ करनी है साहब? आखिरी बार संदीप ने आपको फोन किया था, क्या बात हुई थी? साहब, संदीप जब भी बीयर पीने बाहर जाता था मुझे फोन करता था। आई अगर कुछ सवाल पूछे तो कोई बहाना बना दे, कल भी इसीलिए फोन किया था। मेरे अलावा घर में सबको पता था कि संदीप बीयर पीता था। कल आप कहाँ थे? सर, आप अजय भाव से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप केशव से क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? ये केशव कौन है? मेरा पति, और दो दिन पहले ही उसने हम सबको धमकी देके गया है। तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? जमीन बेची है, बहन का हिस्सा नहीं दोगे क्या? नहीं देंगे, क्या कर लोगे? और जोर से चिल्लाओगे? चिल्ला चिल्ला, तुम तो पागल हो गई है। इन लालचियों के चक्कर में तू मुझे छोड़कर चली आई। चल तू मेरे साथ, और पैसे तो मैं तुम लोगों से निकलवा के रहूंगा। मुझे नहीं आना तुम जैसे लालची आदमी के साथ। ऐसा कैसे नहीं चलेगी? अरे तू मेरी बीवी है। हाथ नहीं लगाना मेरी बहन को, समझा? बीवी और उसके हिस्से के पैसे तो मैं लेके जाऊंगा, उसके लिए चाहे मुझे तुम लोगों की लाश क्यों बिछानी पड़े। इस केशव का नंबर और घर का एड्रेस दीजिए। सर, ये केशव का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। अपने दो आदमी उसके घर पे भेजो और उठा लो उसको। ओके सर। हेलो मात्रे, मैं तुम्हें एक फोटो और एड्रेस भेज रहा हूँ। उस आदमी के घर पर जाकर उसे तुरंत पुलिस स्टेशन उठा के लेके आओ। सर, मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। घर वालों ने संदीप की बाइक की आवाज़ तो सुनी थी, लेकिन किसी ने भी ऊपर जाकर ये नहीं देखा कि संदीप घर पे आया भी है या नहीं। क्या वाकई में संदीप घर पे आया था या नहीं, ये पता ही नहीं चल रहा है। सिर्फ फटाफट उसकी पीएम रिपोर्ट मंगाओ। हो सकता है घर वाले कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। हो सकता है कि संदीप घर पर आया ही नहीं था, उसका मर्डर दोपहर को ही हो गया था। सर, लेकिन उसकी बाइक तो घर के पीछे खड़ी थी। हो सकता है कि मर्डर करने वाले ने बाइक घर के पीछे लाके छोड़ दिया। एक काम करो, जरा आसपास पता करो इस फैमिली के बारे में। आत्रे फैमिली के पड़ोसियों से जब हमने पूछताछ की तो पता चला है कि आए दिनों में आत्रे फैमिली में जमीन को लेकर काफी झगड़े हुआ करते थे। सबसे छोटा भाई सागर, उसका हमेशा मझले भाई संदीप से झगड़ा हुआ करता था। और बड़ा भाई अजय, उसका क्या स्टैंड था? सर, अजय बीमारी के कारण किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। मझले भाई की मौत का फायदा तो दोनों भाइयों को हुआ है। संदीप की मौत की वजह से संदीप के हिस्से की जमीन इन दोनों भाइयों को मिलेगी। जरा पता करो कि संदीप के मर्डर में इन दोनों भाइयों की क्या हिस्सेदारी है। ओके सर। सर, संदीप आत्रे ने जिस दुकान से बियर ली थी उस दुकान का पता चल गया है। सर, संदीप मेरा रेगुलर कस्टमर था। कल दोपहर 2 बजे के करीब जब मैं लंच के लिए निकला था तब वो आया था। सर, क्या गोविंद भाई, लंच टाइम? हाँ, और आपका बियर टाइम। अरे प्रमोद, 2 स्ट्रॉन्ग चिल्ड बियर निकाल संदीप भाई के लिए। सुनो ना, 2 माइल भी बोल देना। हाँ, और 2 माइल में निकाल। संदीप के साथ और कोई था? नहीं सर, उसके जो दोनों भाई हैं वो कौन सी बियर पीते हैं, स्ट्रॉन्ग या माइल्ड? सर, बड़ा भाई तो कुछ पीने के लायक भी नहीं है, पर छोटा भाई जो है वो माइल्ड पीता है। तो संदीप ने बियर जब खरीदी तो फिर वो यहाँ से किस तरफ गया? वो इस तरफ गया था, उसका घर इस तरफ है, शायद घर ही गया होगा। सर, सर बियर शॉप वाले ने कहा कि बियर लेने के बाद संदीप घर पे गया था इस तरफ, लेकिन उसकी लाश हमें रेलवे लाइन के पास मिली और रेलवे लाइन तो इस तरफ है। सर, संदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संदीप की मौत 12 तारीख को दोपहर 3 से 5 बजे के बीच में हुई है। मतलब मेरा शक सही निकला, संदीप शाम को घर वापस आया ही नहीं था। शाम को 5 बजे जब त्रिवेणी ने बाइक की आवाज सुनी तो वो संदीप नहीं बल्कि उसका कातिल था जो घर के बाहर बाइक पार्क करके चुपचाप निकल गया। सर, हो सकता है कि वो घर का ही कोई हो जो चुपचाप घर वापस आ गया हो। शिंदे, मर्डर करने वाला केशव या फिर कोई और हो सकता है जो चाहता था कि हमारा शक घर वालों पे बना रहे और इसीलिए उसने बाइक घर के बाहर पार्क की और निकल गया। हो सकता है सर। एक काम करो, संदीप की बाइक को फॉरेंसिक के लिए भेजो, देखो उस पर किस किस के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं और ये केशव का क्या हुआ। सर, वो तो घर पे भी नहीं मिला। जब से संदीप का मर्डर हुआ है वो कहीं गायब हो गया है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। केशव का फोन ट्रैकिंग पे डालो, कभी ना कभी तो फोन ऑन करेगा, और अगर वो इस तरह से भाग रहा है तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट तो है।
सर वो संदीप की डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए उसके घर वालों को दे दूं। ठीक है। जिस तरह की पेचीदगियां इस केस में पुलिस के सामने आ रही थी, पुलिस के लिए ये केस सुलझाना आसान नहीं था, लेकिन जितनी मुश्किलें थीं, पुलिस की मेहनत उतनी ज्यादा थी। पुलिस को फिलहाल शक घर के लोगों पे ही था। सर ये अजय, संदीप और सागर, इन तीनों के मोबाइल रिकॉर्ड है। सर कॉल डिटेल से पता चलता है कि इनकी इस नंबर पर हमेशा बातें हुआ करती थी। ये नंबर दिनेश यादव का है। इन तीनों भाइयों की जो शहर में जमीन है उसके एक हिस्से में दिनेश यादव खेती किया करता था। संदीप ने आखिरी बार बात अजय से की थी। 12 तारीख को 3 से 5 के बीच अजय की लोकेशन क्या थी? सर अजय के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से जिस वक्त संदीप की मौत हुई उस वक्त अजय घर पर ही था। और त्रिवेणी का पति केशव, उसकी क्या खबर? सर केशव के मोबाइल की लोकेशन 12 तारीख को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में उसी एरिया की दिखाई दे रही है जहां पर हमें संदीप की बॉडी मिली थी, और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हुआ। फिर 14 तारीख को उसका फोन नासिक में एक्टिवेट हुआ। उसने अपनी माँ को फोन किया था, उसके बाद उसका फोन बंद आ रहा है। केशव की माँ से पूछताछ करो, उसे पता होगा केशव कहाँ है। सर मुझे लगता है कि हमें केशव से ज्यादा सागर के ऊपर नजर रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से संदीप का मर्डर 3 से 5 बजे के बीच में हुआ, और ये सागर का फोन 2 से 5 बजे के बीच में स्विच ऑफ था। सागर ये बहुत अच्छा तरीका है, अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लो ताकि पुलिस को पता ही ना चले तुम कहाँ हो। मैं समझा नहीं सर, आप कहना क्या चाहते हैं? समझने और समझाने के लिए तो यहाँ बुलाया है, क्योंकि इतना तो हम समझ गए हैं कि अपने परिवार की जमीन बेचने के तुम खिलाफ थे, और इसी बात को लेकर तुम्हारा संदीप के साथ झगड़ा भी हुआ था। हाँ हुआ था, तो इसका मतलब मैं अपने भाई का खून कर दूंगा? ऐसे तो गायत्री भाभी भी खिलाफ थी जमीन बेचने के। तेरी गायत्री भाभी उस दिन पूरा दिन तेरी माँ बहन और तेरी संध्या भाभी के साथ घर पर थी, और वो माइल्ड बियर नहीं पीती, तुम पीते हो। हाँ पीता हूँ, तो उससे क्या साबित होता है? संदीप ने 2 स्ट्रॉन्ग बियर के साथ 2 माइल्ड बियर खरीदी थी। तुम संदीप के साथ बियर पीने गए, लेकिन पहले अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया, फिर उसके साथ बैठ के बियर पी, उसको मारा। नहीं सर, मैं तो फिल्म देखने के लिए गया था सर, और मेरे फोन की बैटरी कम थी इसलिए वो अपने आप ही बंद हो गया था। इंस्पेक्टर साहब आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना, जमीन का हिस्सा दे दूंगी, और चाहे तो और देती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को क्यों परेशान कर रहे हैं? माता जी आप ध्यान से सुन लीजिए, हम मानते हैं कि आपके पास बहुत जमीन है, लेकिन अगली बार अगर आपने इस तरह से जमीन ऑफर की तो पुलिस वाले को रिश्वत देने के जुर्म में आपको अंदर करवा दूंगा। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, आपके बेटे को परेशान नहीं कर रहे हैं। देख रही हूं मैं क्या करें आप, संदीप के बाद यही तो मेरा सहारा है, और आप उसे भी, मुझे आपकी जांच पे भरोसा नहीं है। मुझे सीबीआई जांच चाहिए, मुझे उनके साथ बात करना है। आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए, लेकिन हम हमारा इन्वेस्टिगेशन हमारे तरीके से करें। और सागर जो कुछ भी तुमने कहा है उसको हम वेरीफाई करेंगे, अगर कुछ छुपाया है या कुछ झूठ बोला है तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा। त्रिवेणी उस दुकानदार ने हमें बताया कि संदीप ने वहां से बियर खरीदी और 2 बजे के आसपास वो घर की तरफ जाने के लिए निकला। हाँ सर, संदीप भाव आए थे लेकिन उनके हाथ में बियर नहीं था, और वो थोड़ी देर में ही चले गए थे वहां से। सागर भी उसके साथ गया था? सर मैंने बाइक की आवाज सुनी थी, उनके साथ कौन गया ये नहीं देखा था मैंने। हो गई तसल्ली, सागर उसके साथ नहीं गया था। हाँ भाभी। क्या क्या हुआ, क्या हुआ? आप घबराइए मत भाभी, हम लोग अभी आ रहे हैं। सागर क्या हुआ? माँ अजय भाऊ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अरे बाप रे, तो एक काम कर, वैद्य को ले गया, हम लोग घर पहुंचते। सर मैं निकलूं? जाओ चल, तू जा चल चल चल। शिंदे जरा पता करो ये सागर वाकई कोई फिल्म देख रहा था या हमें किसी फिल्म की कहानी सुना रहा है। तू जा, तू जा यहाँ से। क्या हो रहा है? अजय तू घबरा मत। अरे वो एक आ रहा है। हाँ सागर गया है उन्हें लाने। हाँ अजय गायत्री काढ़ा पिलाओ। कैसा पिलाओ भाई, कैसा पिलाओ? खास खास कर हालत खराब हो गई है उनकी, अभी पाया पड़ते। प्लीज किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए उन्हें, प्लीज आई प्लीज। आइए डॉक्टर साहब, वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें टीबी है, उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। सागर मैंने वैद्य को लाने को कहा था,
ये किसको उठा के लाए? ए, चल नहीं ये कौन? आई तू सागर, तुझे पता नहीं ऐसे ही अंग्रेजी डॉक्टर के गलती से तेरे बाबा मर गए थे। आई एक डॉक्टर गलत निकला, इसका मतलब ये नहीं कि हर डॉक्टर गलत होगा। आई तू बाहर चल आई। अरे नहीं, वो बाहर देखा अजय को। अजय इसका इलाज मत लेना। अजय अजय दरवाजा लगा। देखिए मैंने दवाइयां तो लिख दी हैं, लेकिन आपके भाई की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। अगर आप उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे तो उनका इलाज अच्छे से हो पाएगा। जी डॉक्टर, अभी तो मैं ये दवाइयां उन्हें दे देता हूँ। दिखाए डॉक्टर को, हो गई मनमानी, लेकिन मैं अजय को अंग्रेजी दवा खा के मरने नहीं दूंगी, समझे? सर कल दोपहर से मेरी आई और बहन घर वापस नहीं लौटे हैं। आपने आपके रिश्तेदार जान पहचान वालों से पूछताछ की? सर सबसे बात कर ली, वो किसी के घर पे नहीं है। दरअसल वो कल घर से निकले थे पुलिस हेडक्वार्टर्स जाने के लिए। पुलिस हेडक्वार्टर्स? हाँ सर, एक्चुअली मेरी आई चाहती थी कि संदीप भाऊ की मर्डर की CBI जाँच हो, इसलिए कल दोपहर में वो मेरी बहन के साथ पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए निकले थे कि पुलिस के बड़े अफसरों से बात करके इसकी CBI जाँच करवाएं। आई मैं क्या बोलता हूँ कि तू सागर, तुझे पता है ना मैं जो सोचती हूँ मैं करके दिखाती हूँ, समझे? जिस ऑटो से वो लोग निकले थे उसको आप जानते हैं? हाँ सर, वो उसका नाम सोमू है। आई को जब भी कहीं पे जाना रहता है तो मैं सोमू को ही कॉल करके बुलाता हूँ। सोमू, रमा अत्रे और उसके परिवार को काफी सालों से जानते हैं ना? हाँ साहब, लेकिन साहब मारना नहीं साहब, उनके गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। पुलिस हेडक्वार्टर जाने वाले थे वो लोग? साहब मुझे नहीं मालूम, वो तो स्टेशन उतर गए थे। फिर वहाँ से कहाँ गए? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो छोड़ के चले गया था। शिंदे, रमा और त्रिवेणी इसकी ऑटो से जहाँ उतरे वहाँ से कहाँ गए जरा वहाँ की CCTV से पता करो। ओके सर। सर सागर, आलस तू? आई का कुछ पता चला? नहीं। अरे ये क्या करते हो आप? हाँ, आपको एक बार बोला वो समझता नहीं है, रूम से बाहर क्यों आया? कितनी बार बोला अंदर रुकिए? हाँ आई, इस तरीके से तो बच्चों में भी इंफेक्शन फैलेगा, अंदर जा। हाँ भाव, आपको समझ में नहीं आता, आपको सही इलाज तो करवाना नहीं है, बस आई की सुनते रहते हो, उन्हीं की मानते हो, और इस तरीके से बाहर आकर सागर बीमार हूँ, पर ये मत भूल के तेरा बड़ा भाई हूँ। मेरे सामने ऊंची आवाज करके बोलना बंद कर, समझो? क्या कर रहे हो? छोड़िए उन्हें, छोड़िए। बराबर देख रहा हूँ तुम दोनों को, बहुत सुर से सुर मिल रहा है ना तुम्हारा। कमरे में बंद रहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, सब बराबर देख रहा हूँ मैं, समझे? पहले संदीप की हत्या और अब रमा और उनकी बेटी त्रिवेणी का अचानक गायब होना। रमा अपने बेटे के हत्यारे का पता लगाना चाहती थी, तो क्या रमा के ऐसे गायब होने की वजह उसकी बेटी की हत्या से ही जुड़ी थी या फिर सच्चाई कुछ और थी? सर सागर झूठ बोल रहा है कि 12 तारीख को फिल्म देखने गया था, मैंने वहाँ का CCTV फुटेज भी चेक किया है, उसमें सागर कहीं नजर नहीं आया। ले आओ सागर को, अब पिक्चर उसे हम दिखाते हैं। सर आप लोग बार बार मुझे क्यों बुलाते हैं? क्योंकि तू एक बार में सच नहीं बोलता, कुछ ना कुछ छुपाता है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं छुपाया। 12 तारीख को तू पिक्चर देखने गया था ना, उसकी कहानी सुननी थी तुझसे, सुना? चल सर वो कहानी याद नहीं आ रही? चल मैं सुना देता हूँ। एक बार क्या होता है, तीन भाई रहते हैं, उनके बीच जमीन को लेके झगड़ा होता है, लेकिन वो लोग बियर साथ में पीते हैं। अब छोटा भाई एक दिन मझले भाई को ले जाता है और बियर पिलाता है, और बियर पिला के उसको मार डालता है। अब वो जो मझला भाई था ना वो संदीप था, और छोटा भाई तू। नहीं सर, मैंने भाऊ को नहीं मारा सर। जब तेरी आई को इस बात का शक होने लगा
तो तुमने उसको और तेरी बहन को दोनों को गायब कर दिया। नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये पिक्चर वाली झूठी कहानी क्यों सुनाई? सर झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था उसके घर में। फिर से नई कहानी शुरू कर दिया। मेरा यकीन कीजिए सर, दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड दूसरी जात की है, इसलिए मैं ये बात छुपा कर रखता हूँ। अगर आई को पता चलता तो वो बहुत नाराज होती सर। इसलिए आई को गायब ही कर दिया कि जब आई को पता ही नहीं चलेगा तो वो नाराज कहाँ से होगी, है ना? क्या किया उसके साथ, कहाँ है वो बोल? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर उसके साथ। आप चाहे तो मेरी गर्लफ्रेंड से पूछ सकते हैं, मैं उसी के साथ था। तुम्हारा और सागर का रिश्ता कितने सालों से है? सर यही करीब 2 सालों से। सागर ने बताया कि 12 तारीख को तुम और सागर दोनों फिल्म देखने गए थे। नहीं सर, 12 तारीख को हम फिल्म देखने नहीं गए थे, वो एक्चुअली मेरे घर आया था, हम साथ में थे। पुलिस से ऐसा कहने के लिए सागर ने तुम्हें सिखा के भेजा? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। गायत्री जी, जिन लोगों ने आप पे हमला किया था आपने उनको देखा था? नहीं सर, उन्होंने हेलमेट पहना था। जिस जगह पे आप पे हमला हुआ हमने वहाँ पूछताछ की, बाइक पे नंबर प्लेट तक नहीं लगी हुई थी। इसका मतलब पूरी प्लानिंग करके आपके ऊपर हमला किया गया। आपको क्या लगता है कोई आप पे क्यों हमला करवाएगा? पता नहीं सर, कोई मुझ पे क्यों हमला करवाएगा? शायद इसलिए क्योंकि आए दिन आपके घर में जमीन को लेकर झगड़े चलते रहते हैं। सर मेरे नाम पे कोई जमीन नहीं है। लेकिन आपके घर की जमीन ना बेचने के लिए आप हमेशा सागर का साथ देती आई हैं। फिर तो पहले मुझे मारना चाहिए था। बेटा जब आपकी आई पे हमला हुआ तो आप आई के साथ थे ना, आपको याद है वो बाइक वाला कैसा दिखता था, कौन था? हाँ अंकल, वो अंकल ने हेलमेट पहना था, सिर्फ उनकी नाक दिख रही थी, उनकी नाक पे बड़ा सा कट का निशान था। मुझे लगता है ये काम किसी प्रोफेशनल का है। पता करो कोई ऐसा हिस्ट्री शीटर है क्या जिसके नाक पे निशान हो? यस सर। सॉरी अजय, तुम्हारी तबीयत खराब है लेकिन तुमसे कुछ सवाल पूछना है। हाँ सर पूछिए। तुम्हारी बीवी को मरवाने की कोशिश किसने की होगी, तुम्हें शक है किसी पे? साहब ये 4 दीवारें ही मेरी दुनिया है, मैं शक भी कैसे करूँ किसी पर? तुम्हारी आई और बहन दोनों गायब है, एक भाई मर चुका है, अब तो सब कुछ तुम्हारा छोटा भाई संभालेगा। हो सकता है कि सागर ने ही। नहीं साहब, हम लोग घर में चाहे जितना ही लड़ लें पर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शिंदे, केशव को कुछ पता चला? सर केशव बस भाग रहा है, कभी नासिक कभी कल्याण कभी शिरडी। अभी अभी उसका फोन मनमाड़ में ऑन हुआ था और तुरंत स्विच ऑफ हो गया, एक जगह पर टिकता ही नहीं है। आसपास के एरिया में उसके जितने भी रिश्तेदार हैं सबका पता करो और सब पे नजर रखो, अगली बार वो किसी न किसी के पास तो जाएगा, जहां दिखे वहीं से उठा लो। ओके सर। सर रमा और त्रिवेणी की कॉल डिटेल्स आ गई है। लास्ट लोकेशन क्या है दोनों की? वसई के साउथ साइड में, और करीब 2 बजे के आसपास उसका फोन बंद हो गया था। शिंदे आखिरी बार बात किससे हुई दोनों की? सर उनके जमीन पर खेती का काम करने वाले दिनेश यादव के साथ इनकी आखिरी बार बात हुई थी, और इन दोनों का लोकेशन भी उसी जमीन का है, और फिर 3 बजे के बाद वहां से 20 किलोमीटर दूर जाकर इनका फोन स्विच ऑफ हो गया। लेके आओ इस दिनेश यादव को। अरे दिनेश, खेती में आजकल बहुत कमाई नहीं है ना? जी साहब ये बात तो है, बस गुजारा चल जाता है, पर सिर्फ यही पूछने के लिए बुलाया था साहब। नहीं नहीं नहीं, नहीं। 21 तारीख को तेरी रमा अत्रे से बात हुई थी, उसके बाद से वो गायब है, क्या बात हुई थी? जी वो जमीन को लेके बात हुई थी, उस दिन भी उन्होंने फोन किया था और मैंने कहा कि फसल सही नहीं हो रही है इस बार, तो वो कहने लगी तू झूठ बोल रहा है, मैं खुद आकर वहाँ देखना चाहती हूँ। मैंने कहा आइए देख लीजिए, फिर दोनों माँ बेटी वहाँ आई थी। रमा और त्रिवेणी तुझसे मिलके फिर कहाँ निकले थे, कोई था उनके साथ? जी नहीं, वो दोनों ही थी सिर्फ। 12 तारीख को कहाँ था तू? जी वही खेत पे था अपने। क्यों, संदीप के साथ बियर पीने नहीं गया था? क्या साहब, हम देसी पीने वाले, हमारा बियर से क्या होगा? हाँ बियर से क्या होगा तेरा, लेकिन पुलिस के सामने जो झूठ बोलता ना
उसको ऐसा नशा चढ़ाते हैं कि उसको चारों तरफ जेल की सलाखें नजर आती हैं। साहब वो तो अभी होश में भी दिख रहा है, पर मैंने आपसे जो कहा वो सब सच था, झूठ कुछ नहीं बोला मैंने आपसे। मैं जा सकता हूँ साहब, थोड़ा खेती में काम है। जा। शिंदे एक नंबर का घाघ आदमी है ये। दवाई खा लीजिए, आपको ठीक लगेगा। अरे नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो आप? छोटे बच्चे की तरह माँ की तरह ये जिद करते हैं, छोड़ दो आप। अपने लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए आपको ठीक होना पड़ेगा। बाबा बाबा प्लीज दवाई खा लो, और दवाई खा लोगी तो हम जल्दी ठीक हो जाओगे बाबा, प्लीज खा लो। सर ये देखिए, हिस्ट्री शीटर है, सुपारी किलिंग, धमकी देना, ये इसके काम है। भूरा नकटा नाम है इसका। भूरा नकटा? हाँ सर। ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ सर, क्योंकि ये आदमी हमारे एरिया का नहीं है, नासिक का है। गायत्री की बेटी रिया ने भी ऐसे ही निशान वाले आदमी के बारे में बताया था। हो सकता है कि जो गायत्री को मरवाना चाहता था उसने इसे नासिक से यहाँ बुलवाया। सर मैंने नासिक पुलिस से इंक्वायरी की, उन्होंने कहा कि ये तड़ी पा रहे, और हमारे खबरियों से ये भी खबर मिली है कि ये अभी यहाँ वसई में है। उठाओ इसको। साहब वो रहा। हेलो, अरे मैं इधर चाय की दुकान पे हूँ, तुम किधर हो? अरे कितना टाइम लगाओगे यार? अरे हाँ हाँ बस पहुँच रहा हूँ भाई। ओके ओके। क्या रे बुरा, नासिक से नाक कटा कर तू यहाँ आ गया? तू कौन? पुलिस। चल। तुम? साहब अब आप लोग बुरा को मार पीट कर सच उगलवा लोगे, फिर आप लोग मुझे उठाने आओगे, इसलिए मैं पहले ही आपके पास आ गया। तेरी ईमानदारी देख के तुझ पे शक हो रहा है। साहब मैंने सुना है कि सच बोलने पर पुलिस सजा में रियायत देती है, बस साहब सच यही है, मुझे गायत्री भाभी को मारने के लिए पैसे दिए गए थे। और तूने भूरा नकटा को सुपारी दे दी? हाँ साहब, मरवाने की कोशिश तो की थी, और अगर पकड़ा गया तो बड़ा केस भी नहीं लगेगा। किसने कहा तुझे ये सब करने के लिए? क्या साहब, आपको कोई भी कुछ भी बोल देगा और आप सच मान लेंगे। मैं भला क्यों अपनी बीवी को मरवाने की कोशिश करूंगा? तूने अपनी बीवी को मरवाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि तुझे शक था कि उसका किसी के साथ अफेयर है। मान लीजिएगा मेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर है भी, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो दिन रात उस कमरे में बंद रहता हूँ साहब। मुझे ये समझा कि तूने दिनेश को ऐसा क्यों बोला कि अगर किसी औरत का पैर फिसल जाए तो उसे समझाने का कोई फायदा नहीं, हमेशा के लिए सुला देना चाहिए। कोठारे घेऊन येत आला। नहीं नहीं भैया, ये हमसे नहीं हो पाएगा। और अब गायत्री भाभी को क्यों? दिनेश, औरत का पैर एक बार फिसलने लगे ना तो उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, उसे सुला देना चाहिए हमेशा के लिए। नहीं नहीं, ये मेरी सोने की चैन है, सोने की है, और तू जिस जमीन पर काम कर रहा है ना वो भी तेरे नाम कर दूंगा। देख अब ना मत बोल। वो सच सच है, गायत्री के रंग ढंग देखकर मुझे यकीन हो गया था कि वो मुझसे धोखा कर रही है, और इसीलिए तुमने संदीप को मारने की प्लानिंग बनाई क्योंकि तुम्हें शक था कि गायत्री का अफेयर संदीप के साथ है। नहीं साहब, मुझे नहीं पता था गायत्री का किसके साथ अफेयर है। तुम्हें पता था क्योंकि तुम्हारी बीमारी की वजह से गायत्री अलग कमरे में सोती थी, और संदीप की बीवी संध्या के प्रेग्नेंट होने के बाद ऊपर के कमरे में खाना लेकर के वही जाया करती थी। अरे इसे ये कहां साबित होता है साहब कि उन दोनों में अफेयर था? तुम जैसे शक करने वालों को सबूतों की जरूरत कहां होती है? इसी शक के चक्कर में तुमने संदीप को मारने की प्लानिंग बनाई, और इसीलिए उसके साथ बियर पीने का प्रोग्राम बनाया। संदीप इस कमरे में बंद रहते रहते मैं मर रहा हूं,
बाहर जाना चाहता हूँ। बोलो ना भाऊ, कहाँ जाना है? देख, ना मत बोलना, चल अपने पुराने अड्डे पर जाकर बियर पीते हैं। हाँ पर भाऊ, आपकी बीमारी। यार एक दिन तो ढंग से जी लेने दे मुझे, भूल जाओ मेरी बीमारी को और मुझे भी भूलने दे। ठीक है भाऊ, मैं तैयारी करता हूँ। 2 बजे के आसपास संदीप ने बियर खरीदी, 2 स्ट्रॉन्ग 2 माइल्ड, क्योंकि तुम पहले माइल्ड बियर पिया करते थे। अरे साहब, मैं आपका पागल दिखता हूँ क्या? इस बीमारी को लेके मैं बियर पीऊंगा? तुमने बियर पी नहीं, पीने का प्रोग्राम बनाया। संदीप ने बियर खरीदने के बाद तुम्हें फोन किया। हाँ संदीप। हाँ अजय भाऊ। हाँ मैं बियर लेकर आया हूँ, आप बाहर आइए। तो एक काम कर, घर के पीछे आ जा, मैं वहीं आता हूँ। और फिर अपना मोबाइल घर पर छोड़कर तुम पीछे के दरवाजे से चुपचाप संदीप के साथ रेलवे लाइन की तरफ निकल गए। और जब संदीप को नशा हो गया तो सच बोलो, आज बहुत दिनों बाद आपके साथ पीने बैठा हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। मुझे भी अच्छा लग रहा है। अरे भाऊ, ये क्या बात हुई? मेरी दूसरी खत्म होने आ रही है और आप पहली पे अटके हो। पियो पियो। अभी करता हूँ खत्म। उसके बाद तुमने संदीप की बाइक वहां से उठाई होगी, घर के पीछे आकर बाइक को पार्क कर दिया, पिछले रास्ते से घुस के अपने कमरे में चले गए, चप्पल को साफ कर लिया और ऐसा दिखावा किया जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। नहीं साहब, मैं ऐसा कमीना भी नहीं हूं कि अपने भाई का खून कर दूं, वो भी सिर्फ शक के आधार पर। लेकिन सिर्फ शक के आधार पर तुमने अपनी बीवी को मरवाने की कोशिश तो की है ना? लेकिन साहब, इस शक के आधार पर मेरे खिलाफ मेरे भाई को मारने का कोई केस नहीं बनता है, तो ये सब बातों का कोई फायदा है नहीं। गायत्री की हत्या की कोशिश के सबूत तो मिले हैं, तो उसकी सजा तो तुझे पक्का मिलेगी। और एक बात और समझ ले, संदीप की हत्या की जांच अभी खत्म नहीं हुई। ये दिनेश खुद आया, इसने सब सच बता दिया, इसकी सच्चाई मुझे जरा खटक रही है। शिंदे, इसका सीडीआर निकलवाओ। ओके सर। आइए गायत्री जी। सर क्या हुआ, अचानक मुझे ऐसे यहाँ बुला लिया? आपको मरवाने की कोशिश आपके पति ने की, और ये माना भी कि उन्हें ऐसा शक था कि आपका किसी के साथ अफेयर था। अब आपके घर में तो 2 ही आदमी थे, सागर और संदीप। आई पापा को पुलिस क्यों ले गई? रिया मुझे एक बात बता, क्या कभी बाबा ने तुझसे पूछा था कि आई कहाँ गई, किसके साथ गई? याद करके बता। हाय, वो जो आपके गले पे कीड़े ने काटा था, उस दिन बाबा ने मुझे कहा कि जो ऊपर देख गया कि कमरे में कौन है। फिर? हाँ फिर आई, मैं देखने गई ऊपर तो संदीप काका थे, फिर ये बात मैंने पापा को बता दी। पापा घर नहीं आएंगे, अब वो अस्पताल में है, उन्हें सजा भी हुई है। उन्होंने आई को मरवाने की कोशिश की, पर क्यों? वो इतना नाराज क्यों थे आई से? हेलो। हेलो सर, केशव अपने रिलेटिव के यहाँ 40 गांव आया है। एक काम करो, लोकल पुलिस की मदद लेके अरेस्ट करो उसे और तुरंत यहाँ लेकर आओ। यस सर। सर, ये दिनेश यादव के कॉल रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि दिनेश यादव की आतरे फैमिली के लगभग हर मेंबर से बात हुआ करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा बात उसकी गायत्री के साथ हुआ करती थी। गायत्री और दिनेश यादव की उस दिन भी बात हुई थी जिस दिन रमा और त्रिवेणी दोनों गायब हुए थे। सर, और दिनेश यादव की उस दिन और 2 लोगों के साथ बात हुई थी। पता करो ये और 2 लोग कौन है, और ये गायत्री और दिनेश के बीच में इतनी बातचीत होने का रीजन क्या है? कि मुझे लगता है कि ये दोनों मिलके कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं।
सर इन दोनों के सच के बारे में तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल केशव मिल गया है, उसे 40 गांव से लेके आ रहे हैं। गुड। साहब, मुझे मारो नहीं, मुझे मारो नहीं, मैं बताता हूँ। साहब, मैंने संदीप को नहीं मारा, सच कह रहा हूँ। संदीप के घर पर धमकी देने के लिए गया था ना? मैं डर गया था, क्योंकि मेरे धमकाने के बाद ही वो मर गया। मुझे पता था साहब, आप लोग मुझ पे शक करोगे, इसलिए मैं डर गया था। साहब, 12 तारीख को जिस दिन संदीप का मर्डर हुआ, तेरे मोबाइल की लोकेशन भी वसई के उसी एरिया की है। ये जादुई कोइंसिडेंस कैसे हो गया? साहब, मेरे दोस्त की मोबाइल रिपेयर शॉप है, मैं अपना मोबाइल ठीक कराने गया था। हर किसी के पास बचने के लिए एक कहानी होती है। चल, तेरे दोस्त का नंबर दे। हाँ सब, 9820-77-4415। शिंदे, इसकी कहानी क्रॉस चेक करो। शिंदे, जो दिनेश के CDR में 2 नंबर मिले थे, उनकी डिटेल्स मिली? सर, कल तक मिल जाएगी। सर, रमा और त्रिवेणी जिस दिन गायब हुए थे, उस दिन दिनेश यादव की गायत्री के अलावा जिन 2 लोगों के साथ बात हुई थी, उनके कॉल डिटेल्स आ गए। सर, ये देखिए, ये एक नंबर है, 8877। ये नंबर तो फिलहाल बंद आ रहा है। और ये दूसरा नंबर 9872, ये नंबर दिनेश यादव के दोस्त रवि का है। सर, दिनेश यादव ने रवि को 21 तारीख को सुबह फोन किया था, उसकी माँ की दवाई के पर्चे के बारे में पूछने के लिए। माँ की दवाई का पर्चा क्यों? क्योंकि सर, उसकी माँ की दवाई के पर्चे में नीम की दवाई की प्रिस्क्रिप्शन थी। और ये दूसरा 8877, वो किसका है? सर, ये नंबर पवन सोलंकी नाम के आदमी का है, ये आदमी तांत्रिक है। उठाओ इसको। क्या रे दिनेश, नीम की दवाई की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? रवि तेरा दोस्त, उसकी माँ का दवाई का पर्चा मांगा था ना तुमने? जी, वो नींद नहीं आ रही थी इसीलिए। बड़े संयोग की बात है, जिस दिन रमा और त्रिवेणी गायब हुए, उसी दिन तूने नींद की दवाई खरीदी। क्या किया दवाई का? वो दवाई खाई मैंने। ये दवाई खाने की नसीहत किसने दी थी? तांत्रिक ने? नहीं साहब, वो फोन किया था उसको, पर बारिश कब गिरी ये पूछने के लिए फोन किया था। अप्रैल के महीने में बारिश का इंतजार कर रहा है? हाँ, ले गया उसको। कोठारे, गेहूं ले डाला। चल। अब सब कुछ सीधा सीधा सच सच बताएगा या मार खा के बताएगा? बताता हूँ सब। यही दोनों माँ बेटी को गाड़ा है। लाशों को निकलवाने का इंतजाम करो। ओके सर। रुको, निकालो उसे बाहर। सर, रमा जी। त्रिवेणी, कितने पैसे मिले थे ये सब करने का? 6 लाख मिले थे साहब। किसने दिया? पहले मेरे पापा को लेकर अब मेरी आंखों क्यों लेके जा रहे हो? छोड़ दो मेरी आंखों। संदीप को भी तुमने ही मरवाया? नहीं सर, संदीप को किसने मारा, क्यों मारा, मैं नहीं जानती। अपनी सास को क्यों मरवाया? तंग आ गई थी मैं उस औरत से, सिद्धि अड़ियल। बस उसी औरत की वजह से 5 साल तक मैं अपने पति से दूर रही। मेरी बेटी को भी मनहूस मानती थी वो। मेरे पति का अच्छे डॉक्टर से इलाज भी नहीं करा जाती थी, जमीन बेचने चली थी। ऐसे तो हम लोग रास्ते पे आ जाते ना, इसीलिए दिनेश को कहकर मैंने उन्हें मरवाया, ताकि उनके बाद घर का और जायदाद का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में आ सके। माँ जी, हमने कहा था ना, बड़े ही पहुंचे हुए बाबा है ये। बाबा, कुछ भी करो, मेरे बेटे के कातिल का नाम बताओ, जमीन का आधा हिस्सा आपके नाम कर दूंगी। लो ये पहले पवित्र जल पी लो, अपनी आंखें बंद करो, अपने मरे हुए बेटे का ध्यान करो। जब आंखें खोलोगे तो इस हवन कुंड में उस हत्यारे की आकृति दिखाई देगी। जल पियो।
तुम्हारी सास से तुम्हें प्रॉब्लम्स थी, त्रिवेणी को क्यों मरवाया? त्रिवेणी उनके साथ थी इसलिए मारी गई। अब तुम्हारी अपनी जिंदगी का कंट्रोल भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, क्या मिला ये सब करके? मेरी आई सब ठीक करना चाहती थी, लेकिन जो तरीका उन्होंने चुना वो गलत था। और आज क्या हुआ? सब गलत हुआ, उनके साथ भी, मेरे साथ भी। संदीप की हत्या किसने की ये गुत्थी आज भी उलझी है। पुलिस को शक है कि उसके बड़े भाई अजय ने उसकी हत्या की, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है उनके पास। दिनेश और दिनेश की मदद करने वाले तांत्रिक पवन सोलंकी को रमा और उनकी बेटी त्रिवेणी की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा हुई। कहते हैं जमीन में आप जो बोते हैं अंत में वही काटते हैं, और इन सभी अपराधियों के साथ भी वही हुआ। जिस गुनाह के बीज उन्होंने बोए उसी की सजा वो काट रहे हैं। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।